तांगे वाले का बेटा कैसे बना अपराध की दुनिया का बादशाह, जुर्म की कोठरी से लोकतंत्र के मंदिर तक का सफर, वो बाहुबली जिसने किताब की जगह उठा ली बंदूक, जिसके केस की सुनवाई करने से भी डरते थे जज, उत्तर प्रदेश में जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह अतीक अहमद, जिसकी आंखों से कोई जज भी केस नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन कहते हैं ना पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है, इलाहाबाद और पूर्वांचल में ठेका खनन पट्टे और जमीन माफिया के कैरेक्टर का कॉकटेल बन गया अतीक अहमद। 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद के चकिया में एक तांगे वाले के घर बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया अतीक अहमद। रातों रात अमीर बनने के चस्के ने बनाया गैंगस्टर। अतीक को बचपन से पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी, वो हाई स्कूल में फेल हो गया। उसके पिता उसके इलाहाबाद स्टेशन पर टांगा चलाते थे, लेकिन रातों रात अमीर बनने का चस्का अतीक के पिता और अतीक को किसी भी हद तक ले जाने वाला था। 17 साल की उम्र में हत्या का आरोप लगा और इसके बाद उसका धंधा चल निकला, खूब रंगदारी वसूली जाने लगी। जिससे भी उगाही करनी होती उसे बस इतना बताया जाता, अतीक अहमद फिरोज तांगे वाले का लड़का, फिर सामने वाला खुद ब खुद पैसे भेज देता। 17 साल की उम्र में लगा हत्या का आरोप। 17 साल की उम्र में जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अतीक अहमद के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ, और वो भी हत्या का। साल 1979 में 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर कत्ल का इल्जाम लगा। उसके बाद जुर्म जैसे अतीक का शगल बन गया और अतीक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पढ़ाई के पन्ने तो कोरे थे, लेकिन साल दर साल उसके जुर्म की किताब के पन्ने भरते जा रहे थे। अतीक ने खत्म किया था चांद बाबा का खौफ। अतीक कैसे बना, कैसे फला फूला, ये भी जानना बेहद दिलचस्प है। कभी इलाहाबाद में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था, जिसके सामने जाने से पुलिस भी कांपती थी। तब अतीक की उम्र यही कोई 20 से 22 साल की थी। पुलिस चांद बाबा के खौफ को खत्म करना चाहती थी, इसीलिए अतीक को सियासी और पुलिसिया शह दोनों मिलने लगे। 1986 आते आते अतीक गैंग खूंखार हो चुका था, चांद बाबा के गैंग से भी ज्यादा खूंखार। फिर एक दिन अतीक को पुलिस उठा कर ले गई। तब उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी और दिल्ली में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। एक फोन दिल्ली से आया और पुलिस अतीक को घर तक छोड़कर गई। अतीक ने चांद बाबा के गैंग को एक एक करके खत्म कर दिया। 1990 के दशक में बना जुर्म के दुनिया का बादशाह। 1987 आते आते अतीक को पता चल चुका था कि जुर्म की दुनिया की बादशाहत बरकरार रखनी है तो राजनीति की छांव में जाना ही पड़ेगा। अतीक अहमद को समझ आ चुका था कि सत्ता की ताकत क्या से क्या कर सकती है, इसीलिए 1989 में पहली बार उसने इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और विधायक बन बैठा। चांद बाबा के खात्मे के बाद प्रतीक का खौफ इस कदर हावी हो चुका था कि कोई उसके खिलाफ चुनाव लड़ने को राजी नहीं होता था। अतीक 1991-1993 में फिर से इलाहाबाद पश्चिमी सीट से चुनाव जीत गया। फिर 1992 जब पुलिस ने अतीक का कच्चा चिट्ठा खोला तो आंखें फटी रह गई। यानी 30 साल की उम्र तक अतीक के खिलाफ 44 मामले दर्ज हो चुके थे। यूपी और बिहार में चलता था सिक्का। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कौशाम्बी, चित्रकूट, इलाहाबाद में कई मामले दर्ज हुए। अतीक के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले इलाहाबाद जिले में ही दर्ज हुए थे। उसके जुर्म का किस्सा उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर बिहार चला गया। बिहार में भी अतीक के खिलाफ हत्या, अपहरण, जबरन वसूली आदि के मामले दर्ज हुए। 1996 में अतीक को समाजवादी पार्टी ने अपना कोहिनूर बना लिया। अतीक फिर चुनाव जीत गया। हर चुनाव अतीक के बाहुबल को कई गुना बढ़ा रहे थे। 1999 में अतीक ने दल बदला और अपना दल में शामिल हो गया। फिर वो पांचवी बार विधायक बन गया। महंगी और लग्जरी गाड़ियां, इम्पॉर्टेंट हथियार, ये अतीक अहमद के सबसे बड़े शौक बन गए। भाई को हराने वाले पर की थी गोलियों की बौछार। 2004 में अतीक फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और संसद पहुंच गया। फिर अपनी विधानसभा की सीट इलाहाबाद पश्चिमी से उसने अपने भाई को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन उसका भाई चुनाव हार गया। 4000 वोटों से जीतकर विधायक बने सपा के राजू पाल को जीत मिली। राजू कभी अतीक का दाहिना हाथ हुआ करता था। अतीक अपने भाई की हार से बौखला गया। उसने 25 फरवरी 2005 को राजू पाल को 19 गोलियों से भून डाला।
इसके बाद से ही अतीक के बुरे दिन शुरू हो गए। 2007 में विधानसभा चुनाव में अतीक का भाई इलाहाबाद पश्चिमी सीट से हार गया। समाजवादी पार्टी ने अतीक को बाहर कर दिया और अतीक के खिलाफ तत्कालीन मायावती की सरकार ने ऑपरेशन अतीक शुरू किया। अतीक गैंग के 227 लोगों की लिस्ट तैयार हुई। जब शुरू हुए अतीक अहमद के बुरे दिन, 1986 से 2007 तक अतीक पर एक दर्जन से ज्यादा मामले केवल गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किए गए। 2 महीने के भीतर अतीक पर इलाहाबाद में 9, कौशाम्बी और चित्रकूट में एक एक मुकदमा दर्ज हुआ। अतीक पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया। उसके करोड़ों की संपत्ति सीज कर दी गई, बिल्डिंगें गिरा दी गई, अलीना सिटी को इलीगल घोषित कर दिया गया। सब प्रॉपर्टी या तो गिरा दी गई या फिर जब्त कर ली गई। सांसद रहते हुए अतीक के खिलाफ पूरे देश में अलर्ट जारी हुआ। अतीक दिल्ली से गिरफ्तार हुआ और जेल में डाल दिया गया। 2012 में अतीक ने अपना दल से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू की। उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेल के लिए अर्जी डाली, लेकिन कोर्ट के 10 जजों ने उसका मामला सुनने से खुद को अलग कर लिया। 11वें जज तैयार हुए और अतीक को बेल मिल गई। अतीक इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से पूजा पाल के खिलाफ मैदान में उतरा, लेकिन हार गया। योगी सरकार ने लगाई अतीक की लंका में आग। 2016 में अतीक अहमद को कानपुर कैंट सीट से उम्मीदवार बनाया गया तो खुशी के मारे 500 लग्जरी गाड़ियों का काफिला लेकर अतीक कानपुर पहुंच गया। वो खुद 8 करोड़ की हमर गाड़ी पर सवार था। 14 दिसंबर 2016 को अतीक और उसके गुर्गों पर इलाहाबाद की थियोट्स कॉलेज में तोड़फोड़ की। लेकिन कहते हैं ना कि पाप की कहानी का अंत एक ना एक दिन जरूर होता है। 2017 में योगी सरकार आई और उसने ताबड़तोड़ अतीक के खिलाफ सभी फाइलें खुलवाई। अतीक के खिलाफ कई मामलों में जांच सीबीआई को भी दी गई और अतीक के लंका की बर्बादी योगी के हाथों लिख डाली गई। 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जैसे ही अतीक की जमानत रद्द की, उसके दुर्दिन शुरू हो गए और तब से अब तक अतीक जेल में बंद है। योगी सरकार की बुरी नज़र उस पर पड़ गई है और अब उसे जेल में सड़ना पड़ेगा। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट।